Don't never stop if you wanna be on top, yeah. Low bass, fat, fat, baby, caffeine. Tap, tap, caffeine. Diamonds dancing on your neck, better tap. यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी ट्रिप पर, और इस वक्त मैं हूँ एयरपोर्ट पर, कैलगरी एयरपोर्ट पर, और मैं जा रहा हूँ वैंकूवर। तो इस ट्रिप को हम करेंगे। मैंने कहा कितने दिनों से व्लॉग नहीं बनाया, तो आज व्लॉग बनाएंगे। और वैसे तो कितने दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे तो भूल ही गया कि व्लॉग बनाते कैसे हैं, पर कोशिश करेंगे आपको बताएं। वैंकूवर घुमाएंगे अपने साथ। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो कैसे आपको कहां कहां वहां घूमना चाहिए, ये मैं एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश करूंगा इन व्लॉग्स के थ्रू। सो या लेट्स गो। यो गाइस, राइट नाउ मैं ये वाली वीडियो एडिट कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, और जो अगली क्लिप्स आने वाले उसका थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट देने आया हूँ कि क्या हो रहा है। पहले तो हम उतरे थे वैंकूवर एयरपोर्ट पे, और वैंकूवर एयरपोर्ट पे उतर के हमने ली थी टैक्सी टू डाउनटाउन वैंकूवर।
और जो वैंकूवर का एयरपोर्ट है वो लाइक रिचमंड में है। रिचमंड जो डाउनटाउन वैंकूवर से है वो 30 मिनट्स दूर है। तो अगर आप भी होटल बुक कर रहे हो तो डाउनटाउन वैंकूवर में करना, क्योंकि वहाँ से जो टूरिस्ट वाली प्लेस हैं वो सारी पास हैं, तो आपको इजी रहेगा। तो क्योंकि रिचमंड से डाउनटाउन वैंकूवर में जाने में 30 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद हम जब होटल में गए, वहाँ किया चेक इन, सामान रखा, और उसके बाद हम गए थे खाना खाने, लंच करने। डाउनटाउन में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ आप देख सकते हैं जो भी आपको पसंद है। और उसके बाद हम गए थे गेस्ट टाउन, और गेस्ट टाउन की जो क्लिप्स अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ये स्टीम क्लॉक बहुत मशहूर है, ये हर 15 मिनट में इसका अलार्म बजता है और इसमें से स्टीम निकलती है, तो ये बहुत फेमस है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज और रेस्टोरेंट्स भी हैं, अगर आपने लंच वगैरह करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉपिंग्स की भी बहुत दुकानें हैं, लोकल स्टोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ओवर प्राइस्ड होता है यहाँ पर सामान, और इतना अच्छा भी नहीं होता है। फिर ये वो वाली बात हो जाएगी कि कचरे में से हीरा ढूंढने वाली बात हो जाएगी अगर यहाँ पर आप शॉपिंग करोगे तो। हाँ गाइस, यही है गैस टाउन और बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पर आपको लंदन वाली वाइब्स भी आएगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बहुत ओल्ड स्कूल सी बिल्डिंग है यहाँ पर। और गेस्ट टाउन की हिस्ट्री ये है गाइस कि यहाँ पर सबसे पहला जो वैंकूवर था, सबसे पहले की वैंकूवर की बिल्डिंग यहाँ बनी थी, और ऐसा कह लो कि वैंकूवर पहले गेस्ट टाउन ही था, वैंकूवर नहीं था, तो इसे ओल्ड वैंकूवर ही कह सकते हैं। ये अच्छा अच्छी प्लेस है फ़ोटो खींचने के लिए, और एक्सप्लोर वगैरह आप कर सकते हैं, खाने पीने के लिए भी अच्छी जगह है। गाइस, अब गेस्ट टाउन से हम ऊबर लेके आ गए हैं स्टैनली पार्क, और स्टैनली पार्क काफ़ी फेमस है वैंकूवर का। अगर आप गूगल पे भी टॉप 10 प्लेसेस सर्च करोगे वैंकूवर की, तो स्टैनली पार्क पहले या दूसरे नंबर पर तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर आपको असली वैंकूवर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर वाटर भी है, सिटी भी है और जंगल भी है। वैसे वैंकूवर में जंगल और ये वाटर ही ज़्यादा मशहूर है व्यू व्यू के लिए। और यहाँ पे मैंने ली थी ये हॉर्स वाली राइड, ये आपको 1 घंटे में पूरे स्टैनली पार्क का टूर कराती है। ये बहुत अच्छा है अगर आप मेरी तरह चल चल के थक जाते हो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको टूर करा देगी सारा पार्क का, और पार्क में जो भी मशहूर चीज़ है वो आप इसी में ही देख लोगे, तो ये बहुत सही चीज़ है। इसकी टिकट है $50 पर पर्सन, तो इतनी महंगी भी नहीं है, सही टिकट है। और ये हॉर्सेस पे आपको दिखाएगी सारा पार्क, और बहुत अच्छे अच्छे व्यू आपको इस राइड में देखने को मिलेंगे, और गाइड आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताएगा कि कैसे क्या गया हुआ था पार्क में, कैसे कैसे ये पार्क बना था। और गाइस, इस पार्क में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 500 से 1000 साल पुराने ट्रीज भी आपको इस पार्क में देखने को मिलेंगे, तो वो मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगे। बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर ट्रीज थे जो बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही लंबे ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वाटर के साथ साथ सी वॉल वॉक का आप मज़ा भी ले सकते हो, जो इस पार्क की ये सी वॉल वॉक बहुत फेमस है। और गाइस, इस पार्क में सारे पैसे व्यू के हैं, तो एंजॉय द व्यू। वैसे तो वैंकूवर में ही सारे पैसे व्यू के ही हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पर घूमने के लिए व्यू पॉइंट्स ही हैं।
ये चेक करो गाइस, वाइट पीपल के रावण खड़े हैं यहाँ पर। ये भी बहुत मशहूर चीज़ है, पर पता नहीं मशहूर है क्योंकि मेरे को समझ आई, मतलब समझ तो आ गई है, लेकिन ये बेसिकली गाइस यहाँ पर जो ओल्ड जो पीपल रहते थे उन्होंने ये बनाए थे, इसलिए ये फेमस है। पर मेरे को तो इतनी इंटरेस्टिंग लगे नहीं। Through the smoke tonight. But over on our right, the bridge is also known as the bridge that beer built, because the Guinness family of the internationally renowned stout beer brand. तो गाइस आज के दिन की जो लास्ट स्पॉट है वो है इंग्लिश बे बीच। ये भी बहुत मशहूर बीच है वैंकूवर का। सनी डे पर तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा क्राउड देखने को मिल जाएगा। और इसके सामने ही है स्टारबक्स। स्टारबक्स की लोकेशन बहुत सही लगी मेरे को, और ये स्टारबक्स अंदर से भी मेरे को बड़ा सही लगा बनाया हुआ है। सारा बीच का आपको व्यू मिलता है, और आपका भाई आपको रेकमेंड करेगा यहाँ से कॉफ़ी लो लाते, साथ लाते विद व्हिप क्रीम, और साथ में लो एक क्रोसेंट और बैठकर एंजॉय करो ये बीच का व्यू, और पूरी आपको मियामी वाली फील आएगी यहाँ पर। मतलब गाइस कॉफ़ी ज़रूरी तो नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मान लो तो बेहतर है। और ये होगी आज की लास्ट स्पॉट, यहाँ पर आप सनसेट इंजॉय कीजिए, क्योंकि इस वक्त तक आप पूरी तरह थक चुके होंगे। यहाँ पर आप देखिए सनसेट, और उसके बाद जाइए अपने होटल, डिनर कीजिए और सो जाइए, क्योंकि नींद इम्पोर्टेंट है भाई। और कल आपको पहाड़ चढ़ना है, वो वाला व्लॉग कल आएगा, तो उसके लिए वेट करना। आज के लिए इतना ही।